वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम लोग भाई बहन, ये मेरा भाई है प्रशांत और आप लोग इनका भी वीडियो बहुत जल्द अभी देखने वाले हो क्योंकि ये न्यू ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट किए हैं। और मैं इनका चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन्हें बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा और हमें जैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट करिए और उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, उनका भी वीडियोज़ देखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, इस बारिश के टाइम में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। बारिश हो रही है और ये छतरी के सहारे हम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। तो मेरा भाई जो है प्रशांत, वो अभी आपको कुछ बोलने वाला है। हेलो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल जर्नी ऑफ लाइफ विद प्रशांत मैंने स्टार्ट कर लिया है कल, और आप सबसे विनती है कि आप सब बहुत ही प्यार दिखाएं मुझे, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो। और तो इस ब्लॉग को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप तो दे ही रहे हैं और इतना विश्वास है कि आगे भी बहुत सारे प्यार देंगे। और मेरे चैनल सुंदरगढ़ी लैंग्वेज में है और जो भी सुंदरगढ़ या फिर वेस्टर्न ओडिशा के हैं, हमारे संबलपुर वेस्टर्न ओडिशा के हैं, उनसे भी निवेदन है कि मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें और ढेर सारा एंटरटेनिंग वीडियोस लाऊंगा आपके लिए और वो भी सुंदरगढ़ी लैंग्वेज में। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। देखिए गाइज, हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग हैं भाई के साथ और ये है भाई। हम लोग हैं कोयल नदी में और आज थोड़ा सा झिपझिप झिपझिप बारिश हो रही है और मुझे बहुत मन किया कि आज मैं थोड़ा सा बाहर आऊं, घर से निकलूं, घर में बोर लग रहा था। तो हम लोग ये भाई के साथ थोड़ा सा घूमने आए हैं और आज मैं आपको इस बारिश वाला मौसम का जो बारिश वाला जो सीन है वो दिखाऊंगी। तो गाइज, अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं हम लोग कैसे यहाँ पे हमारे नदी में मछली पकड़ा जाता है और आप लोग वीडियो में बने रहिए। नदिया के पार देख सकते हैं, ये है जाल। सो गाइज, ये हमारे नेबर हैं और ये कैमरामैन हैं और साथ में अभी मछली पकड़ रहे हैं अपने खाने के लिए, टाइम पास। और ये देखिए कितने सारे मछलियां इन्होंने पकड़ा है। हैं ना, ढुको छो जो लोग वेस्टर्न ओडिशा से हैं, आप लोग ये लैंग्वेज जानते हैं। कितना बेरा लग लो आप तहरे के धरे के लगी? एक घंटा बगरा नहीं लगी है। सो गाइस, जो लोग सुंदरगढ़ से हैं ये सादरी लैंग्वेज जानते होंगे और मुझे थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो सब हंसने लगते हैं। सो गाइस, इन्होंने बहुत सारा मछली पकड़ा था तो हमने पूछा आप लोग बेचोगे क्या, तो उन्होंने मना किया।
अपने घर के लिए उन्होंने पकड़ा था। और सो सेकेंड टाइम फिर से इन्होंने पकड़ने का कोशिश किया, बट जाल में शायद आया नहीं कुछ, तो ऐसे ही खाली नेट उन्होंने निकाला। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है गाइज, मछली पकड़ना इतना इजी नहीं होता है। हम लोग भी जब बचपन में सैटरडे संडे को नदी चले जाते थे और ऐसे मछली पकड़ते थे, मज़ा आता था बहुत। गाइज ऐसे जस्ट घूमने आए थे और मछली तो दिखाएंगे बोले, एक भैया का मछली पकड़े और एक भैया ने नहीं पकड़ा, तो उनका जाल में कुछ आया नहीं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, नेक्स्ट कभी आके मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए नदी का नज़ारा, कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है। बारिश हो रही है गाइस, तो अभी घर जा रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, और ये हमारे सुदीप भाई, आप तो इनको जानते ही होंगे। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आ रहा है और ये हम लोग जा रहे हैं भाई के साथ, और अभी हम लोग बाइक में हैं। और जुड़ी उठानी इसलिए कोई भला मुँह हाथ छाड़ दीजिए।